तो हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर हमको फिर से एक नया सॉन्ग देखने को मिल गया है। इस बार एल्बम हिमेश के दिल से, इस एल्बम से सॉन्ग आया है, तो मतलब इंडियन आइडल के किसी सिंगर ने ही ये सॉन्ग गाया है। तो खैर, किसने ये सॉन्ग गाया है, सॉन्ग कैसा बना है, अच्छा है, बुरा है, लव सॉन्ग है कि सैड सॉन्ग है, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिमेश के दिल से द एल्बम, तो इस बार इसके जो सॉन्ग आया है उसके बोल है ओ संयोनी। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी लिरिक्स और म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया सर ने। तो पहले बात कर लेते हैं लिरिक्स की और म्यूजिक की। लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, हार्ट टचिंग है, और म्यूजिक है वो भी काफी सोलफुल और काफी अच्छा म्यूजिक दिया गया है। बात करें अगर सिंगर की, तो इस बार जो इस गाने को गाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं वो है इंडियन आइडल के लव बर्ड्स पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल। तो खैर, पहले बता दूं आपको, इस बार कोई सैड सॉन्ग नहीं है, इस बार एक लव सॉन्ग है। और लव सॉन्ग के अंदर जो केमिस्ट्री होनी चाहिए, और केमिस्ट्री साफ तौर पर दोनों के अंदर दिखाई दे रही है। मतलब जो बॉन्डिंग दोनों के अंदर इंडियन आइडल में थी उससे काफी बाहर आए हैं, काफी खुलकर उन्होंने परफॉर्म किया है। और इस सॉन्ग के अंदर वो खुलकर परफॉर्म करने की जरूरत भी थी, उस हिसाब से दोनों ने काफी अच्छी तरह से सॉन्ग को गाया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो इसके लिरिक्स हैं काफी अच्छे हैं, एक हार्ट टचिंग लिरिक्स है, काफी सोलफुल लिरिक्स हैं। और जिस तरह उनको गाने की जरूरत थी, पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों ने उसी तरह से उस सॉन्ग को खुलकर गाया है, खुलकर इंजॉय किया है। और जिस तरह से दोनों इंजॉय कर रहे हैं वो साफ तौर पर गाने के अंदर दिखाई भी हमको दे रहा है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। दोनों ने जिस तरह से गाने को गाया है, गाने के मजे को और भी दुगना कर देते हैं। खैर, तारीफ करनी होगी हिमेश रेशमिया सर की, जिन्होंने सैड सॉन्ग्स अभी तक बनाए थे वो एक कमाल के थे, और अब लव सॉन्ग बनाया है वो भी एक कमाल का है। उसके लिरिक्स जो लिखे हैं, म्यूजिक जो दिया है, वो उसके लिए तो मानना पड़ेगा कि हाँ, फिलहाल वो एक नंबर वन म्यूजिक कंपोजर है फिलहाल हमारे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के। जिस तरह के गाने वो दे रहे हैं एक के बाद एक, चाहे लव सॉन्ग हो चाहे सैड सॉन्ग हो, और जिस तरह वो एक नए सिंगर्स को मौका देते हैं और जिस तरह से गाने उनसे गवाते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और जो इस बार सिंगर्स ने करके दिखाया है, अपने एक तरह से बोल सकते हैं उनके सेफ जोन से ऊपर निकल के जो गाना गाया है वो काबिले तारीफ है। कहीं पर कोई भी गलती पकड़ना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। जिस तरह से दोनों ने गाने को गाया है, गाने की जो एक तरह से गाने की खूबसूरती थी, उस खूबसूरती में और भी चार चांद लगा दिए हैं जिस तरह से दोनों ने परफॉर्म किया है। और उनकी लव केमिस्ट्री तो खैर देखते ही बनती है। इंडियन आइडल में सभी को पता था दोनों की लव केमिस्ट्री कैसे चल रही है, और अब इंडियन आइडल के बाद भी सॉन्ग के अंदर उनकी लव केमिस्ट्री साफ तौर पर देखी जा सकती है। और काफी इजाफा हुआ है उनकी केमिस्ट्री में, जो उन्होंने गाने के अंदर भी दिखाया है। एक लव सॉन्ग के अंदर दोनों लव बर्ड्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, गाने का मजा दुगना हो जाता है। खैर, जो ये गाना आया है काफी खूबसूरत गाना है, लिरिक्स काफी खूबसूरत है, म्यूजिक काफी खूबसूरत है, और सिंगिंग तो और भी ज्यादा खूबसूरत है, जिससे गाने को काफी अच्छे व्यूज मिलने वाले हैं, काफी अच्छे लाइक्स मिलने वाले हैं, या कहें तो एक और सुपरहिट सॉन्ग आने वाला है। तो अगर आपने सॉन्ग देख लिया है, आपने कितना पसंद किया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए हिमेश रेशमिया मेलोडीज पर और देख डालिए सॉन्ग, फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सॉन्ग कैसा लगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।